देख सकते हो भाई, ये डुप्लीकेट ग्लिच जो है वो वाकई में ही काम करता है। और आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड यहाँ पे नेदरराइट के जो आर्मर है वो आ चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपको दाओ साओ गेमिंग चैनल में। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं माइनक्राफ्ट के टिकटॉक हैक्स, वो भी अपनी क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग 2 में। और आज के हैक्स दोस्तों काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं, तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको सबसे पसंदीदा हैक्स कौन सा लगा। वैसे तो दोस्तों सारे हैक्स काफी अच्छे हैं, लेकिन भाई फिर भी आप लोग बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा। और भाई अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हैक नंबर 5। नंबर 5 में दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं एक डेकोरेशन का हैक, जिसको बनाने के बाद भी जब आप लोग अपने दोस्तों को वो हैक दिखाओगे तो भाई वो आप लोगों से काफी ज्यादा इंप्रेस होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम अपना जमीन पे रखेंगे एक आर्मर स्टैंड कुछ इस तरीके के साथ। उसके बाद भाई रख देंगे इसके आगे एक अपना ड्रैगन का एग। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने आर्मर स्टैंड के हाथ में पकड़ाएंगे अपनी डायमंड की सोर्ड। आप लोग कोई से भी सोर्ड हाथ में पकड़ा सकते हैं। उसके बाद भाई इसको हम दे देंगे कुछ इस तरीके का पोज। आर्मर स्टैंड के पीछे लगाएंगे एक यहाँ पे कुछ ऐसे करके पिस्टन, और इसको रेडस्टोन ब्लॉक की मदद से एक्टिव कर देंगे। और भाई इसी तरीके के साथ हम इसको लेफ्ट और राइट से भी धक्का मारेंगे, तो फटाफट से कर लेते हैं हम लोग भी। तो भाई बनाने के बाद ही कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब हमें क्या करना है, अपना आखिरी काम दोस्तों, हम अपना स्प्लैश पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी जो है वो अपने आर्मर स्टैंड के ऊपर फेंक देंगे। और भाई आप लोग देख सकते हो हमारा डेकोरेशन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो भाई ये देखने में कितना ज्यादा ओपी लग रहा है। तो अच्छा है ना दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, हैक नंबर 4। तो हैक नंबर 4 में दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं एक अनलिमिटेड वाटर का सोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिससे आप लोग जितनी मर्जी बाल्टियां बनना चाहो पानी की भर सकते हो। तो फटाफट से देख लेते हैं इस अनलिमिटेड वाटर सोर्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए होगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे जमीन पे लगाएंगे 3 वुडन के प्लैंक्स, 3 दोस्तों हम यहाँ पे भी करके लगा देंगे कुछ इस तरीके के साथ। और यहाँ से 1 ब्लॉक छोड़ के दोस्तों इसी तरीके के साथ 3 प्लैंक्स और लगा देंगे, और इनको आप 1-1 ब्लॉक और ऊंचा कर देंगे। तो फटाफट से कर देते हैं। और दोस्तों बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रंट पे आके लगाएंगे अपना एक ओक का साइन बोर्ड, और उसके बाद दोस्तों इसी तरीके के साथ हम नीचे भी लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे हमारे जो साइन बोर्ड के पीछे वाला ब्लॉक है इसके ऊपर हम लगा देंगे अपना एक कॉल्ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, हमारा हैक जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे सर्वाइवल में आ चुके हैं। और भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इन्वेंटरी भी जो है वो बिल्कुल खाली है। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही वाटर की बकेट है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना भाई, हम यहाँ पे अपना फेंक देंगे वाटर। और भाई देख सकते हो हमारी जो वाटर बकेट थी वो खाली हो चुकी है। अब इसी वाटर बकेट में हम अपना पानी जो है वो दोबारा से ले लेंगे। और यहाँ पे जो MPT बकेट है, देख सकते हो भाई हमारे पास एक बकेट के साथ यहाँ पे 2 वाटर बकेट हो चुकी हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम इसको एक और दफ़ा करें, देख सकते हो भाई हमारा पानी जो था वो वापस से हमने ले लिया है, और यहाँ पे हमारे पास एक बकेट पानी की और आ चुकी है। और इसी के तरीके के साथ दोस्तों आप लोग करते करते काफ़ी ज़्यादा बाल्टियाँ भर सकते हो पानी की। तो अच्छा था ना दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ, हैक नंबर 3। तो हैक नंबर 3 में दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं स्पंजबॉब, और स्पंजबॉब का जो है दोस्तों वो आप सभी को पता ही होगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे जमीन में 2 ब्लॉक से कर लेंगे खुदाई, और नीचे रख देंगे अपनी एक स्लैब। और उसके बाद भाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे अपना एक आर्मर स्टैंड, और इसके बाद इसके पीछे लगा देंगे अपना एक पिस्टन सिंपल वाला। और उसके बाद भाई इसको एक्टिव करेंगे, हमारा आर्मर स्टैंड जो है भाई देख सकते हो हमारा जहाँ यहाँ पे हमने गड्ढा सा बनाया था भाई उसके अंदर गिर चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी सेम तरीके के साथ एक और आर्मर स्टैंड को यहाँ पे रखेंगे, और इसको भी भाई अपने गड्ढे के अंदर फेंक देंगे। अब भाई हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे अपने 3 ग्रास के ब्लॉक्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर लगा देंगे अपना एक सिंपल सा पिस्टन जिसका फेस जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक ग्रास का ब्लॉक लगाएंगे, और भाई इसको पिस्टन को जो है वो एक्टिव कर देंगे ताकि हमारा जो ग्रास का ब्लॉक है वो नीचे तक चला जाए, और उसकी मदद से हमारे जो आर्मर स्टैंड है वो कवर हो जाए। और भाई देख सकते हो हमारे ग्रास ब्लॉक की मदद से हमारे आर्मर स्टैंड जो है वो फुल कवर हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे अपनी एक स्लैब, और इस स्लैब को भी भाई हम यहाँ पे पिस्टन की मदद से नीचे को धकेल देंगे। और भाई देख सकते हो हमारी स्लैब जो है वो कितने परफेक्ट तरीके के साथ हमारे आर्मर स्टैंड के ऊपर बैठ चुकी है। अब भाई यहाँ पे जितना भी साइड पर सामान है इन सभी को तोड़ फोड़ देते हैं।
और उसके बाद भाई हम अपने स्लैब के ऊपर रख देंगे अपना एक स्पंज और उसके साइडों पे दोस्तों लीवर लगा देंगे और इन लीवर्स को हम यहाँ पे एक्टिव करेंगे। आप लोग जैसे मर्जी पोज देना चाहो भाई अपने स्पंज बॉब को दे सकते हो। और भाई हमारा यहाँ पे स्पंज बॉब जो है वो रेडी हो चुका है, देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम स्पंज बॉब की तरह के, बस एक ही कमी है कि उसमें हमने अभी तक बूट नहीं पहनाए। तो बूट पहनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे अपना लेदर का आर्मर या आप लोग कोई सा भी आर्मर जो है वो ले सकते हो। तो और दोस्तों हम अपने दोनों आर्मर स्टैंड को अपना लेदर का आर्मर जो है वो पहना देंगे और उनके बाद दोस्तों इनको पोज भी दे देंगे। देख सकते हो भाई हमारा स्पंज बॉब जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, इसी बात पे यार फटाफट से वीडियो को लाइक दे दो और अगर तक अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से कर दो। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, हैक नंबर टू। हैक नंबर टू जो है दोस्तों वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है भाई, इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल इसको फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे जमीन में वन ब्लॉक खोद के यहाँ पे रख देंगे भाई अपना डिस्पेंसर, जिसका फेस जो है वो भाई ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ लगा देंगे वन वन स्लैब कुछ इस तरीके के साथ करके। उसके साइड पे भाई हम यहाँ पे टू वुडन के प्लैंक्स लगा देंगे और अपना यहाँ पे डिस्पेंसर जो है वो ऊपर से कवर कर देंगे कुछ इस तरीके के साथ। और उसके बाद भाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टू ब्लॉक की खुदाई कर लेंगे कुछ इस तरीके के साथ। उसके बाद भाई हमारा जो रेड स्टोन का डस्ट है उसको हम यहाँ पे पूरा रेड स्टोन के साथ कनेक्ट करते हुए बाहर ले आएंगे और इसके बाहर लगा देंगे अपना एक बटन। और उसके बाद भाई अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डिस्पेंसर है उसके अंदर आप लोग अपनी मर्जी के कोई से भी हेड रखना चाहो भाई आप लोग रख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टीव का हेड रखते हैं और उसके बाद भाई हमने अपना यहाँ पे स्केलेटन जो है वो स्पॉन कर दिया है। और अब दोस्तों आप लोग मैजिक देखना भाई, हम जैसे ही बटन ऑन करेंगे तो भाई आप लोग खुद ही देख सको कि कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और जैसे भाई हमने अपना बटन ऑन किया और भाई देख सकते हो हमारे स्केलेटन के ऊपर यहाँ पे स्टीव का हेड जो है वो आ चुका है। और भाई मजे की बात आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे धूप से जलने भी नहीं वाले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने अपनी मर्जी के कस्टम स्केलेटन और कस्टम ज़ॉम्बी जो है वो बना दिए हैं। देख सकते हो भाई एक स्केलेटन को हमने यहाँ पे पहना दिया है ड्रैगन का हेड, जो कि कितना ज़्यादा फनी लग रहा है भाई आप लोग देख ही सकते हो। और उसके बाद भाई यहाँ पे हमने अपने क्रीपर फेस का ज़ॉम्बी भी बना दिया है। और भाई ये वाला स्केलेटन जो है ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो ये भी कितना ज़्यादा फनी लग रहा है। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप लोग अपनी मर्जी के जोन से भी हेड लगाना चाहते हो अपने स्केलेटन या ज़ोंबी के ऊपर आप लोग लगा सकते हो। और फिर भाई आप लोग अपनी मर्जी के कस्टम स्केलेटन और ज़ोंबी बनाना अच्छा था ना दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, हैक नंबर वन। हैक नंबर वन में दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा डुप्लीकेट का हैक जिसके साथ दोस्तों आप लोग अपना आर्मर जो है वो डुप्लीकेट कर सकोगे और भाई वो अनलिमिटेड डुप्लीकेशन होगी, यानी कि भाई आप लोग जितना मर्जी इसको डुप्लीकेट करना चाहो आप लोग कर सकते हो। तो फटाफट से भाई देख लेते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए क्या क्या कुछ चाहिए होगा। आर्मर को डुप्लीकेट करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए होगा कोई सा भी वुडन प्लैंक, कोई सा भी ओक का फेंस गेट, और हमें चाहिए होगा दोस्तों एरो ऑफ हीलिंग, एरो ऑफ हार्मिंग, बो और अपना नेदर राइट का आर्मर जो कि थ्रोन्स के थ्री के साथ इंचेंटमेंट हो। और उसके साथ भाई हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे थ्री ब्लॉक्स लगा देंगे अपने वुडन के प्लैंक्स के, उसके आगे लगा देंगे हम अपना यहाँ पे ओक का फेंस गेट। उसके बाद भाई हमारे जो पीछे टेम्प्रेरी ब्लॉक्स थे इनको हम यहाँ पर तोड़ देंगे। उसके बाद भाई हमारा क्या काम है, हमें यहाँ पे 20 जो है अपने हीलिंग के एरोज फेंकने और 20 अपने डैमेज के एरो फेंकने अपने इस फेंस के गेट के ऊपर। तो भाई फटाफट से हम भी फेंक लेते हैं। और भाई हमने यहाँ पे अपने जितने भी एरोज थे वो हमने यहाँ पे फेंक दिए, 20 हमने अपने हीलिंग के एरोज फेंके और 20 हमने अपने डैमेज के एरो फेंके हैं। उसके बाद भाई हम क्या करेंगे, अपना आर्मर जो है वो हमने यहाँ पे पहन लिया, आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे थ्रोन्स 3 का आर्मर जो है वो पूरा नेदरराइट का पहन लिया है। अब इसको डुप्लीकेट करने के लिए भाई हम सबसे पहले फटाफट से यहाँ पे सर्वाइवल में आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपना गेट जो है वो खोल देंगे और भाई अब हमें इंतजार करना होगा अपने मरने का। और भाई देख सकते हो आप लोग हम यहाँ पे मर चुके हैं, अब यहाँ पे हम रिस्पॉन होंगे। और भाई देख सकते हो हम यहाँ पे रिस्पॉन जो है वो हो चुके हैं। और भाई यहाँ पे फटाफट से चल के देखते हैं जहाँ पे हमने अपने एरोज वगैरह रखे थे वो जगह आप लोग देख सकते हो सामने ही है। गेम थोड़ी सी दोस्तों हमारी लैग कर रही है। और भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे हमने अपने आप को एरोस के साथ मारा था। और देख सकते हो भाई ये डुप्लीकेट ग्लिच जो है वो वाकई में ही काम करता है। और आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड यहाँ पे नेदरराइट के जो आर्मर है वो आ चुके हैं। देख सकते हो भाई जितने भी आर्मर थे वो देख सकते हो कितने ज्यादा तरीके के साथ डुप्लीकेट हो गए हैं। और भाई सारे पे हमारे पास यहाँ पे थ्रोन्स 3 की जो है वो इंचेंटमेंट है। अब आप लोग दोस्तों अपने आर्मर को जो है वो जितनी मर्जी तरफ आप डुप्लीकेट करना चाहो कर सकते हो। और इसी के साथ साथ उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को
ढेर सारे लाइक्स करना मत भूलना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।